बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया ईशान अय्यर के लिए बुरी खबर लाया। जी हाँ, जिस तरह से टीम इंडिया के इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर खबर सामने आई है उसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि टीम इंडिया के लिए इस साल इन दोनों खिलाड़ियों ने बहुत से मौके पर साथ निभाया था, लेकिन कुछ गलती ऐसी हुई जो इन खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने की वजह बन गई। आपको बताएंगे अय्यर और ईशान किशन को क्यों नहीं मिला सालाना कॉन्ट्रैक्ट। टीम इंडिया का खिलाड़ी ईशान किशन ने इस साल टीम के लिए बहुत सी सीरीज में योगदान दिया था, वो टीम के साथ बहुत से दौरे पर भी गए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम से छुट्टी मांगी और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें छुट्टी भी दे दी थी, लेकिन फिर वो टीम के लिए बहुत समय तक उपलब्ध भी नहीं हुए और उनके डिसिप्लिन को लेकर भी मामला सामने आया। ईशान किशन को घरेलू क्रिकेट खेलने को कहा गया था, लेकिन ईशान किशन ने उस बात को भी नजरअंदाज किया। इसके बाद ईशान किशन को लेकर उनके सालाना कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल भी नहीं करते। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें तो ईशान किशन ने केवल 2 वनडे और T20 मैच खेले हैं, जो कि सालाना कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनने के लिए काफी नहीं है। आपको बता दें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने के लिए खिलाड़ी को कम से कम 3 टेस्ट, 8 वनडे और 10 T20 मुकाबले में से कोई एक खेलना जरूरी है, जो कि ईशान किशन नहीं कर पाए। वहीं अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया के लिए इस साल बहुत से मौके पर शानदार खेल दिखाया है। अय्यर ने बांग्लादेश के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को हार से बचाया था, वहीं वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी टीम के लिए रन बनाए थे, लेकिन जो गलती ईशान किशन ने की उसी तरह के मामले में अय्यर भी फंसते दिखे। अय्यर का मामला इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान बिगड़ा। अय्यर टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे थे। पहले 2 टेस्ट में अय्यर ने शानदार खेल दिखाया था, लेकिन उसके बाद अय्यर ने खुद को चोटिल बताया, जो कि बाद में रिपोर्ट्स में पता चला कि वो चोटिल नहीं है। ये बात टीम मैनेजमेंट को बुरा लगा और उन्होंने बाकी मैचों में अय्यर को टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया, और टीम से बाहर जाने के बाद भी अय्यर ने घरेलू क्रिकेट नहीं खेला। यही वजह है कि अय्यर को सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर के सालाना कॉन्ट्रैक्ट क्राइटेरिया की बात करें तो वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। इस साल के कॉन्ट्रैक्ट साइकिल में अय्यर ने 4 टेस्ट, 12 ODI, 3 T20 मैच खेले हैं, जो कि पूरी तरह से सालाना कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आता है। लेकिन जिस तरह से अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा गया है उससे साफ पता चलता है कि उनका घरेलू क्रिकेट को लेकर ना खेलना भारी पड़ गया। जानकारी के लिए बता दे, अय्यर ने मुंबई के लिए रणजी सेमीफाइनल खेलने का ऐलान किया है, लेकिन अय्यर के लिए दुख की बात है कि ऐसा करने में उनको बहुत देरी हो गई।